रविवार को सिरसली गांव के प्राथमिक विद्यालय में सिरसली गांव के विकास का मॉडल तैयार करने वाले इंजीनियर चौधरी रामवीर सिंह के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने रामवीर सिंह का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया और उनको पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम का संचालन मास्टर राजगुरु तोमर ने व अध्यक्षता आचार्य रामफल आर्य ने की। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र तोमर ने समारोह में आए अतिथियों को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि चौधरी रामवीर सिंह ने मातृभूमि योजना के अंतर्गत करोड़ों रुपए की धनराशि देकर सिरसली गांव को विकास के मॉडल का नाम देकर सराहनीय कार्य किया है। कार्यक्रम में मौजूद लगभग 50 गांव के ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। उन्होंने एकजुट होकर बागपत लोकसभा सीट से रामवीर सिंह को चुनाव लड़ाने की मांग उठाई। ग्राम प्रधान व क्षेत्र के लोगों की मांग पर रामवीर सिंह ने कहा कि उनकी राजनीति में आने की कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने भाजपा के सिंबल पर बागपत लोकसभा सीट से टिकट मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी ने उन्हें मौका दिया तो वह जनपद बागपत लोकसभा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास कराएंगे। उन्होंने कहा कि जनपद दिल्ली के नजदीक होने के बाद भी विकास के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जनपद में बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर चिकित्सा, बेहतर शिक्षा, खेलकूद व बेरोजगारी दूर करने आदि विभिन्न कार्यों का करना उनकी प्राथमिकता होगी। सर्वप्रथम तो आप सभी को तथा ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को आगामी नव वर्ष की शुभकामनाएं। और मेरा कहना ये है कि भाई अगर क्षेत्रवासियों को आज तक जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि मिला उसने विकास का और इस क्षेत्र, ये इतना क्षेत्र इतना प्रसिद्ध है कि उनके तो नाम बढ़े लेकिन क्षेत्र में जो विकास हुआ उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना इस पर संपूर्ण इसका विकास हो पाया। सब गांवों में जाकर देखो, सब जगह जो है सब बुरी स्थिति है, किसी भी क्षेत्र की इतनी बुरी स्थिति नहीं है, जबकि दिल्ली के इतने पास होते हुए भी इतना पिछड़ा हुआ इलाका है। मेरी अपनी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन ये गांव वाले, क्षेत्र वाले अभी जोर दे रहे हैं, अगर मुझे मौका मिला तो जरूर इस काम में। हाँ, मेरी क्षेत्रवासियों की ये इच्छा है तो सम्मान करता हूँ जैसा इनका आदेश होगा, और अगर पार्टी मौका, मेरी प्राथमिकता होगी भाई एक तो स्वास्थ्य और आपका स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, ये सब यही, और क्षेत्र में भाईचारा, यही सब अपना मुद्दे होंगे। आपसे प्रोग्राम